की धाराएं जो कटकर हमसे दूर गई, ये जिसको कहते हैं पंजाब, इसका नाम था पंज आब, यानी पांच तरह का पानी, पांच बड़ी बड़ी नदियां थी, तीन पाकिस्तान में चली गई, दो आब बच गया, लेकिन नाम पंजाब है। ये जिसको कहते हैं अफगानिस्तान, इसका नाम था गांधार, महाभारत की गांधारी वहां की रहने वाली थी। जिसको कहते हैं वियतनाम, इसका नाम था चंपा देश, ये हमारे भारत का हिस्सा था। जहां जाते बैंकॉक, ये बैंकॉक भारत का हिस्सा था। ये थाईलैंड था, इसका नाम श्याम देश था। ये कंबोडिया भारत का हिस्सा था। ये लाओस, सुमात्रा, जावा, ये हमारे भारत के हिस्से थे। लेकिन तो एक बार बताओ, राम के गीत गाते हो, हमको थोड़ी बहुत शर्म आती कि नहीं आती है? कि राम हमको कितना बड़ा देश लेकर गए थे। ये हमारे महाभारत के अर्जुन कृष्ण कितना बड़ा देश लेकर गए थे। वियतनाम हमारा था, चला गया, कंबोडिया चला गया, सब चला गया। अब क्या चाहते हो? क्या राम टैंक भी चला जाए हाथ से? कई जगह बंबई में यहां से यात्रा मत निकालो, तमिलनाडु में यहां से मत निकलो। क्यों मत निकलो? क्योंकि यहां राम के रथ पर हमला हो सकता है। आज से 50 साल पहले संभव था कि इस देश में राम के मंदिर पर हमला हो जाए, लेकिन हुआ। कश्मीर में भी दिक्कत नहीं थी, पंजाब में भी दिक्कत नहीं थी, बंबई में दिक्कत नहीं थी, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं थी।